नमस्कार, अपन सर अपन खर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं पाली। अब खबरों की ओर रुक करते हैं। समस्तीपुर मुफस्सिल पुलिस ने दो कांडों से जब्त 50 लाख की राशि के शराब को भी नष्ट किया, सीओ की देखरेख में। मुफस्सिल थाना में है, यहाँ पे दो कांड का शराब जब्त हुआ था, उसका विनिश्चयीकरण कराया जा रहा है। लागत लगभग 5,000 लीटर है, जिसका अभी कुल लागत लगभग 50 लाख के आसपास है। जिले के हसनपुर गांव में तेंदुआ घुसने की बातों से इलाके में सनसनी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। समस्तीपुर के हसनपुर गांव में तेंदुआ होने की चर्चा पर क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग तो काफी दहशत में आ गए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा तेंदुआ होने की सूचना पर वन विभाग को दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव वन विभाग की टीम पहुंचकर रेस्क्यू जारी किया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान तेंदुए की जगह ब्राम जानवर मिला, जो तेंदुए की तरह दिखने में मिलता जुलता था। वहीं जानकारी देते हुए वन विभाग की टीम ने बताया कि यह ब्राम नामक जानवर है, जो कि बिल्ली से इसकी प्रजाति मिलती जुलती है। यह कोई नुकसानदायक जानवर नहीं है, फिर भी स्थानीय लोगों को संपर्क करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आसपास में कोई भी जानलेवा जानवर और किसी तरह की जानवर संबंधित परेशानी हो तो इसकी सूचना वन विभाग को दे। वन विभाग हमेशा मदद के लिए तैयार है। हसनपुर गांव से डी न्यूज के लिए राजकिशोर पासवान की रिपोर्ट।